जय हिंद, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजे क्रिक लाइव में। चलिए कोलकाता और राजस्थान के बीच होने वाले मैच का प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के बीच, ये मैच जो होने वाला है ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जो कि आईपीएल 2023 का 56वां मैच है। फिलहाल के लिए दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो कोलकाता की टीम बैक करी है और फिलहाल के लिए पिछले दो लगातार मैचेस जीते हैं। ओवरऑल पिछले पाँच मैचों में कोलकाता ने तीन मैच जीते हैं, दो मैच हारी। लेकिन राजस्थान की टीम जिस तरीके से 2023 में शुरुआत करी थी और फिलहाल के लिए इस समय परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब नज़र आ रहा है। लगातार तीन मैचों में राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हार मिली थी। उसके अलावा दो मैचेस अपने होम ग्राउंड और वो जयपुर में हारी थी, जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम था, सनराइज हैदराबाद के खिलाफ, उसके अलावा गुजरात के खिलाफ। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच जो दो पिछले मैचेस खेले गए हैं। 2022 के सीजन में दो बार दोनों टीमें आपस में भिड़ी थीं और उस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया, कंसिस्टेंट होकर के रन्स बनाए, विकेट्स लिए, उन प्लेयर्स को छांट के हम अलग करेंगे और बताएंगे किनको आपको टीम में रखना है, किनको बाहर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2022 में जो 30वां मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में 2022 का, और वहाँ पर पहले बल्लेबाजी करी थी राजस्थान की टीम ने। 217 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और फिलहाल के लिए राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर ने इस मैच में 61 बॉल में 103 रन की इनिंग्स खेली थी। और उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 24 रन बनाए थे, संजू सैमसन ने 38 रन बनाए थे, सिमरन हेटमायर ने 26 रन बनाए थे। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर कोलकाता की तरफ से बॉलिंग में, तो कोलकाता की तरफ से शिवम मावी को एक विकेट मिला था, पैट कमिंस ने एक विकेट लिए थे, सुनील नारायण को दो विकेट और आंद्रे रसेल को एक विकेट मिला था। अब कोलकाता की टीम की बात करेंगे तो कोलकाता ने 210 रन इस मैच में बनाए थे और 10 विकेट के नुकसान पर फिलहाल के, लेकिन पीछे टीम हार गई थी और 7 रनों से हार का सामना कोलकाता की टीम को करना पड़ा था। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की तरफ से, उस समय एरन फिंच कोलकाता की टीम में थे, 58 रन बनाए थे, सुनील नारायण 0 पर आउट हुए और श्रेयस अय्यर ने 85 रन बनाए थे। उसके अलावा नीतीश राणा ने 18 रन बनाए थे, बाकी के बल्लेबाज सब यहां पर जल्दी जल्दी आउट हुए और इसमें से 4 बल्लेबाज तो 0 पे आउट हुए थे इस मैच में कोलकाता के। अब बात करेंगे बोल्ट की, तो एक भी विकेट नहीं लिया था, प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिए थे, ओरन मकाई को दो विकेट मिला था और रविचंद्रन अश्विन को एक विकेट, उसके अलावा यूजी चहल को 5 विकेट मिले थे। अब बात कर लेते हैं कोलकाता और राजस्थान के बीच में जो आईपीएल 2022 का दूसरा मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो कि आईपीएल 2022 का 47वां मैच था। इस मैच में भी पहले बल्लेबाजी करी राजस्थान की टीम ने और 152 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। जॉस बटलर ने इस मैच में भी अच्छे रन बनाए, 25 ओवर में 22 रन का योगदान दिया। संजू सैमसन ने इस मैच में 49 बॉल में 54 रन का योगदान दिया था। फिलहाल के लिए इससे पहले वाला जो मैच था वहां पर संजू सैमसन ने 38 रन बनाए थे। उसके अलावा करुण नायर की बात करेंगे 13 रन, रियान पराग ने 19 रन, सिमरन हेटमायर ने नॉट आउट 13 बॉल में 27 रन की इनिंग्स खेली थी। 5 विकेट राजस्थान की गिरे, जिसमें से 2 विकेट टीम साउदी को मिला, शिवम मौबी, अनुकूल रॉय, उमेश यादव को एक एक विकेट मिले थे। कोलकाता ने इस मैच को जीत लिया था बड़ी ही आसानी से 7 विकेट से और 158 रनों को चेस किया था। फिलहाल के लिए इस मैच में बाबा अपराजित ने 15 रन बनाए थे। उसके अलावा बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, तो 34 रन बनाए थे, नीतीश राणा नॉट आउट रहे 37 बॉल में 48 रन बना के, रिंकू सिंह ने 23 बॉल में 42 रन की बहुत ही धुआंधार इनिंग्स खेली थी। और फिलहाल के लिए नीतीश राणा की बात करेंगे तो जो पिछला मैच खेला गया था उसमें 18 रन बनाए थे 11 बॉल में। तो ये तो दोनों टीमों के बीच में जो पिछले परफॉर्मेंस रहे, और इन परफॉर्मेंस के बेस पर अगर देखें तो इस मैच में कुछ ऐसे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे फॉर्म में लग भी रहे हैं, जिसमें जॉस बटलर, उसके अलावा युजवेंद्र चहल नज़र आ रहे हैं, नीतीश राणा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट होकर रन्स बनाते नजर आए, सिमरन हेटमायर दोनों मैचों में नॉट आउट रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस किया जो पिछले दो मैचेस खेले गए हैं। तो ये सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी में योगदान दिया है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बीच में जो ओवरऑल अब तक मैचेस खेले गए हैं। फिलहाल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता के ईडन गार्डन्स की, तो ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों ने जो अपना पिछला 10-10 मैच खेला है, दोनों टीमों की हालत काफ़ी पतली नज़र आ रही है। कोलकाता की टीम की बात करें तो 2023 सीज़न बहुत ही खराब जा रहा है ईडन गार्डन में। वैसे ओवरऑल कोलकाता ने जो यहाँ पर 10 मैच खेले हैं पिछले, उनमें सिर्फ 3 मैचों में जीत मिली है और आखिरी जीत इनको आरसीबी के खिलाफ इसी ग्राउंड पर मिली थी। उसके अलावा 190 इनका
एवरेज स्कोर यहाँ पर नजर आ रहा है, 232 हाईएस्ट स्कोर, 161 लोएस्ट स्कोर नजर आ रहा है। कोलकाता ने एक और मैच जीता है अभी लेटेस्ट, जो पिछला मैच खेला गया था वो भी फिलहाल के लिए कोलकाता ने जीता है पंजाब के खिलाफ। तो दो मैचेस अब तक 2023 के सीजन में कोलकाता की टीम यहाँ पर जीत चुकी है ईडन गार्डन्स में। और फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की टीम की। तो राजस्थान ने जो अपने पिछले 10 मैच खेले ईडन गार्डन्स में, उसमें सिर्फ दो मैचों में जीत मिली है, 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। एवरेज स्कोर 144 का, हाईएस्ट स्कोर 188 का, लोएस्ट स्कोर 81 रनों का नजर आ रहा है राजस्थान की टीम का ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन का मौसम बहुत ही साफ होने वाला है, टेम्परेचर आपको 40 के आसपास नजर आएगा, उसके अलावा बारिश होने के कोई भी चांस नहीं है। हाँ, थोड़ी सी नमी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, पिच सूखी हुई रहेगी, हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ड्राई पिच मिलने वाली है, पिच पर कोई घास मौजूद नहीं होगा, काफ़ी अच्छे रन्स यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आएंगे। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर के विकेट्स की बात करेंगे तो फास्ट बॉलर को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मदद देखने को मिलेगी, इवन 60% विकेट यहाँ पर फास्ट बॉलर ले सकते हैं, 40% विकेट स्पिनर्स के खाते में जा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 86 मैचेस जो हुए हैं और उन मैचों की भी बात करेंगे, उसके अलावा एवरेज स्कोर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पिच है, पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी होगी, बॉल काफ़ी अच्छे से बल्ले पर आएगी, साथ ही साथ इस पिच पर आपको कम से कम 200 के आसपास का स्कोर देखने को मिलेगा, 200 से ज़्यादा का भी स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये ग्राउंड है, जिस तरीके से यहाँ पर रन्स बनते रहे हैं 2023 में, वैसे 86 मैचों में 38 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर जीता है और यहाँ पर 60% बाद में बैटिंग करके जीता गया है मैच को। ओवरऑल पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 163 रनों का, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर 149 रनों का है। 2023 सीजन की बात करें, 195 रनों का यहाँ पर एवरेज स्कोर पहली इनिंग का नज़र आता है, जिस तरीके से ग्राउंड है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर, जो कि इसी सीजन में कोलकाता और चेन्नई के बीच मैच हुआ था, चेन्नई ने 235 रन बनाए थे। ओवरऑल पिछले 10 मैचों में देखें तो 72 विकेट यहाँ पर फास्ट बॉलर ने लिए हैं, 53 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए और 56% विकेट यहाँ पर फास्ट बॉलर ने लिए, और उसके अलावा यहाँ पर बाकी के परसेंटेज अगर देखे जाएँ तो वो फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है स्पिनर्स के लिए, स्पिनर्स को थोड़े से कम मदद, लेकिन फास्ट बॉलर को थोड़े से ज़्यादा मदद यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पिछले 3 मैचों की बात करेंगे कि पिछले 3 मैचों में किस तरीके से यहाँ पर स्कोर्स बने हैं और किस तरीके से विकेट यहाँ पर गिरा है। फिलहाल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो पिछला मैच हुआ था सीएसके और कोलकाता के बीच यहाँ पर एक मैच खेला गया था, उसमें सीएसके ने 235 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, हाई स्कोरिंग मुकाबला था। 4 विकेट जो खोए थे उसमें से वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट और कुलवंत खुजारिया को 2 विकेट मिले थे, उसके अलावा सुयश शर्मा को 1 विकेट मिला था, यानी कि 2 विकेट फास्ट बॉलर, 2 विकेट स्पिनर्स ने लिए। कोलकाता के 8 विकेट टोटल गिरे थे इस मैच में और 8 विकेट में से आकाश सिंह को 1 विकेट, तुषार देशपांडे ने 2 विकेट, उसके अलावा महेश दीक्षणा को 2 विकेट मिला था, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और मथीसा पथिराना को 1-1 विकेट मिला, यानी कि यहाँ पर 8 विकेट में 4 विकेट फास्ट बॉलर के खाते में गए, 4 विकेट स्पिनर्स ने इस मैच में लिए थे। और कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा ने इस मैच में 27 रन बनाए थे, वेंकटेश ने 20 रन, रिंकू सिंह ने 53 रन बनाए थे इस मैच में, उसके अलावा जेसन रॉय ने 61 रनों की इनिंग्स खेली थी। अब उसके अलावा बात करेंगे गुजरात और कोलकाता के बीच जो मैच हुआ था, ये दिन में मैच हुआ था, कोलकाता ने 179 रन यहाँ पर बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 81 रन बनाए थे, आंद्रे रसेल ने 34 रन इस मैच में बनाए थे, बाकी के बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं सके। और कोलकाता के जो यहाँ पर 7 विकेट गिरे उसमें से मोहम्मद शामी को 3 विकेट मिला था, जासवा लिटिल ने 2 विकेट लिए थे, नूर अहमद ने 2 विकेट लिए थे। जासवा लिटिल इस समय अपने देश में वापसी कर चुके हैं आयरलैंड में, क्योंकि उनको बांग्लादेश के खिलाफ इसमें वनडे सीरीज खेलना है, तो वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नूर अहमद ने जरूर 2 विकेट लिया था यहाँ पर और ये काफ़ी प्रभावित किए थे। हाँ, मोहम्मद शमी को 3 विकेट मिला था, और उसके अलावा बात करेंगे फास्ट बॉलर को यहाँ पर ज़्यादा विकेट, स्पिनर्स को कम विकेट देखने को मिला था। अब बात करेंगे गुजरात की टीम की, तो गुजरात की तरफ से सिर्फ 3 विकेट गिरे थे और इसमें हर्षित राणा, आंद्रे रसेल को 1-1 विकेट, सुनील नारायण को 1 विकेट मिला था, यानी कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा और स्पिनर्स को कम विकेट यहाँ पर देखने को मिले। उसके अलावा कोलकाता पंजाब के बीच मैच हुआ था, पंजाब ने 179 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इस मैच में हर्षित राणा ने 2 विकेट लिया था, उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को 3 विकेट, सुयश शर्मा को 1 विकेट, नीतीश राणा को 1 विकेट मिला था। इस मैच में फिलहाल के लिए स्पिनर्स ने थोड़े से ज़्यादा विकेट्स लिए और फास्ट बॉलर को कम विकेट देखने को मिले पहली इनिंग में। कोलकाता की टीम के 5 विकेट गिरे थे, कोलकाता की तरफ से जेसन रॉय ने 38 रन बनाए थे, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 रन, नीतीश राणा ने 51 रन, आंद्रे रसेल ने 42 रन, रिंकू सिंह ने 21 रन बनाए थे। ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, जिसमें कि जेसन रॉय आपके लगातार मैचों में कोलकाता के ईडन गार्डन में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, नीतीश राणा लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ये कंसिस्टेंट होकर यहाँ रन्स बनाते नजर आ रहे हैं। इस मैच में कोलकाता के 5 विकेट गिरे थे और इसमें से
नाथन एलिस को एक विकेट मिला था, हरप्रीत ब्रार को एक विकेट, उसके अलावा राहुल चहर को दो विकेट, यानी कि फास्ट बॉलर दो विकेट, दो विकेट स्पिनर्स को एक विकेट यहां पर रनआउट के रूप में देखने को मिला था। अब बात करेंगे कौन से वो 11 प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी टीम में रखना चाहिए और आपको वो आप फैंटेसी जिता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले रिंकू सिंह को टीम में रखेंगे। कोलकाता की तरफ से 10 मैचों में 333 रन बना चुके हैं, 66 का इनका एवरेज, 152 का बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। नीतीश राणा दूसरे नंबर पर आते हैं, 10 मैचों में 302 रन बना चुके हैं, 30 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट है। यशस्वी जायसवाल को टीम में रखने वाले हैं हम, 10 मैचों में 423 रन बना चुके हैं, 42 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट। दूसरी चीज़ यहां पर यशस्वी जायसवाल की खासियत कि वो अबे ग्राउंड पर जाकर के बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं, यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम को छोड़ दें तो बाकी जगह बहुत बढ़िया रन बनाते नजर आए हैं। जॉस बटलर की बात करेंगे, 10 मैचों में 338 रन बना चुके हैं, 33 का एवरेज, 134 का इनका स्ट्राइक रेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाले हैं। संजू सैमसन को भी यहां पर टीम में रखने वाले हैं, यानी कि राजस्थान की तरफ से टॉप 3 बैटर्स को टीम में हर हाल में रखना है। उसके अलावा बॉलिंग की तरफ चलते हैं तो वरुण चक्रवर्ती को टीम में रखना है जो कि 10 मैचों में 16 विकेट ले चुके हैं। सुयश शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर होंगे तो वो डिसाइड करेंगे टॉस के बाद। रविचंद्रन अश्विन को टीम में जरूर रखेंगे, 10 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। युजवेंद्र चहल भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं और 5 विकेट भी लिया था 2022 के सीजन में कोलकाता के खिलाफ, 10 मैचों में 13 विकेट इस सीजन ले चुके हैं, तो इनको भी टीम में यहाँ पर फिलहाल के लिए रखना है। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स यहाँ पर नज़र आते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वैभव अरोरा आपके कोलकाता की तरफ से थोड़े से यहाँ पर सरप्राइजिंग हो सकते हैं और इनको टीम में रखना है। जेसन रॉय की बात करेंगे तो जेसन रॉय 2-3 मैचों में लगातार पिछले बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आए, खास करके इस ग्राउंड पर, तो इनको भी टीम में रखना है। उसके अलावा आंद्रे रसेल, इनको भी टीम में रखना है, ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। और राजस्थान की तरफ से टॉप 3 बैटर्स तो मैंने बता दिया, उसके अलावा अगर ट्रेंट बोल्ट यहाँ पर मैच खेलते हैं तो ट्रेंट बोल्ट को टीम में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं। उसके अलावा बॉलिंग में यहाँ पर राहुल चहर को टीम में रखना, कुलदीप सेन को यहाँ पर टीम में रखना चाहेंगे अगर वो खेलते हैं तो, क्योंकि उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा।